ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक विधायक की दबंगई सामने आई है। विधायक ने दबंगई दिखाते हुए एक इंजीनियर पर कीचड़ डलवा दिया है और उसके साथ बदसलूकी भी की है। अभी आकाश विजय वर्गीय ने निगम अधिकारी को बैट से मारा था, जिस पर काफी हंगामा खड़ा हो गया था। उसी तरह से अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के विधायक बेटे ने कीचड़ अटैक किया है। एक विधायक को क्या किसी पर कीचड़ डालना शोभा देता है? कांग्रेस विधायक नितेश राणे की इस हरकत की वजह से राजनीति गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है और मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं, देखें किस तरह से कांग्रेस विधायक नितेश राणे ने और समर्थकों ने एक इंजीनियर प्रकाश सिडगे पर कीचड़ डाला है। बल्कि समर्थकों ने नदी के ब्रिज से इंजीनियर को बांधने की भी कोशिश की। हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखें किस तरह से कीचड़ भरी बाल्टी प्रकाश सिडगे पर राणे समर्थकों ने डाला है। दरअसल नितेश राणे मुंबई गोवा हाईवे पर गड्ढे होने की वजह से नाराज चल रहे थे। मुंबई और कोकण इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ जमा हो गए थे, जिसके बाद नाराज विधायक निरीक्षण करने के लिए नगर पालिका के इंजीनियर प्रकाश सिडगे को बुलाया। इसी दौरान राणे समर्थकों ने निगम इंजीनियर पर कीचड़ डाला और बदसलूकी भी की। ये पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है। एक विधायक के इस कारनामे की चर्चा हो रही है। क्या जिस तरह से इंजीनियर के साथ बर्ताव हुआ है वो सही है? उसे बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता। इस घटना से निगम के कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। निगम कर्मचारियों ने विधायक और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी है। ये पूरी घटना कांकेवली मुंबई गोवा हाईवे के पास बने एक पुल का है। वहीं अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने नितेश नारायण की कीचड़ अटैक की वीडियो सामने आने के बाद तूल पकड़ता देख नारायण राणे ने कहा है कि ये व्यवहार उचित नहीं था। हाईवे के मुद्दे पर प्रदर्शन ठीक था, मगर मारपीट कीचड़ समर्थकों द्वारा डालना ठीक नहीं है। वहीं अब इस मामले में बेटे से माफी मांगने की भी बात कही है। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन इस कीचड़ अटैक की वजह से अब सियासी गलियारों में काफी हंगामा मचा हुआ है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।